नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा निगम और आप देख रहे हैं आज की नई नौकरी एंड एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोस्ट गार्ड नाविक का एडमिट कार्ड आ गया है। दोस्तों, ये आज ही आया है, 5 तारीख को, 5 मार्च 2018 को ये एडमिट कार्ड आया है और लास्ट डेट है इसका 12 मार्च 2018 तक। आप इसके बीच में एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसलिए आपको आराम से बोलता हूँ कि आप लोग भी अच्छी से मेरी बातों को सुन पाएँ और आप अच्छी से समझ पाएँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एडमिट कार्ड 2018, ये कोस्ट गार्ड की एडमिट कार्ड आ गई है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग कोस्ट गार्ड नाविक का फॉर्म भरे थे वो एडमिट कार्ड आ जा गई है। और देख लीजिए, इसका एग्ज़ाम होगा अप्रैल 2018 में, अभी डेट नहीं सो रहा है। दोस्तों, ये अप्रैल में कभी भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों, इसका पोस्ट नेम जैसे आप लोग सब देख लिए होंगे, हम आपको बताएँगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। या आप क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है लिंक फॉर प्रिंटिंग ई एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5 मार्च टू 12 मार्च 2018 टिल 1700 आवर, यानी 5 मार्च से 12 मार्च के बीच जो 1700 घंटा है उसके बीच में आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या भरना होगा। देखिए, इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी। जैसे कि आप फॉर्म को भरवाए होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और आपका ईमेल आईडी होगा। तो आप इस डिब्बे में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी को भर कर यहाँ पर गेट डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बस इतना ही बताने वाले थे कि आप भी कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग अभी नहीं जानते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।